आज के इस आधुनिक दौर में विदेश यात्रा करना बहुत ही आम बात हो गई है। कुछ लोग अपने परिजनों से मिलने विदेश जाते हैं तो कुछ घूमने फिरने के लिए, लेकिन दूसरे देशों में यात्रा करने से पहले वहाँ के नियम कानूनों के बारे में जान लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज आपके देश में नॉर्मल हो वो किसी दूसरे देश में गैर कानूनी हो। इसलिए आज हम आपको दुनिया भर के देशों में फॉलो किए जाने वाले कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आपने गलती से भी तोड़ दिया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। नॉर्थ कोरिया में हर चीज पर पाबंदी। नॉर्थ कोरिया अपने आप में जितना अजीबो गरीब देश है, उससे कहीं ज्यादा अजीब हैं इसके नियम कानून। अगर आप इस देश को नॉर्थ कोरिया के नाम से पुकारते हैं तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि इस देश का असल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, इसलिए आपको इसी नाम का इस्तेमाल करना होगा। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह शासक या उसके परिवार के बारे में कोई भी टिप्पणी करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए आपको मौत की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ये देश पूरी तरह से नास्तिक है, जिसकी वजह से यहाँ धर्म या उससे जुड़ी धार्मिक बातें करने पर भी पाबंदी है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट अपनी मर्जी से कहीं भी घूम नहीं सकते, बल्कि उनके लिए सरकार की तरफ से गाइड मुहैया करवाए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में एंट्री करते ही आपका मोबाइल फोन और कैमरा आदि जब्त कर लिया जाता है, जो यात्रियों को अपने देश लौटते समय वापस दिया जाता है। इसलिए अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के नियम कानूनों की लंबी लिस्ट को अच्छी तरह से समझ लें, वरना आप इस देश में टूरिस्ट बनकर जाएंगे और उम्र कैदी बनकर वहीं रह जाएंगे। बड़ों का सम्मान ना करने पर जेल की सजा। भारत की तरह फिलीपींस में भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करने का नियम है, जिसे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़े या बुजुर्ग से बदतमीजी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी जाती है। इतना ही नहीं, इस देश में किसी व्यक्ति या धर्म को लेकर विशेष टिप्पणी करना कानूनन अपराध माना जाता है, जिसके लिए आपको जेल की सजा हो सकती है। हालांकि फिलीपींस में लोग समय को लेकर बिल्कुल भी पाबंद नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ के नागरिक हर जगह देरी से पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, इस देश में कुत्ते से लेकर कीड़े मकोड़े तक हर तरह का भोजन खाया जाता है, लेकिन पब्लिक प्लेस में इन चीजों की चर्चा करना गैर कानूनी माना जाता है। ना करें बौद्ध धर्म का अपमान। अगर आप थाईलैंड घूमने जाते हैं तो वहाँ आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। इस देश में बौद्ध धर्म को काफी महत्व दिया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के प्रचारकों यानी मॉन्क को काफी मान सम्मान दिया जाता है। थाईलैंड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवाना या फिर सेल्फी क्लिक करना कानूनन अपराध है, इसके लिए आपको जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, थाईलैंड में भगवान बुद्ध की मूर्तियां खरीदना और देश से बाहर ले जाने पर भी सख्त पाबंदी है, इसलिए अगर आप थाईलैंड से भगवान बुद्ध की मूर्ति लाते हैं तो हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट पर पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। थाईलैंड में गैर कानूनी रूप से भगवान बुद्ध की मूर्तियां बेची जाती हैं, जिससे जुड़े नियम के बारे में दुकानदार ग्राहकों को कुछ नहीं बताते हैं, ताकि उनकी मोटी कमाई हो सके। इस देश में हाथ मिलाकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर मेहमान से मिला जाता है, जबकि ड्रग्स लेना और उसे बेचने पर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। यही वजह है कि थाईलैंड जाने वाले ज्यादातर पर्यटकों को नियम कानून तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस देश के अहम नियमों की जानकारी नहीं होती है। अंग्रेजी भाषा को किया जाता है इग्नोर। यूं तो हर देश के नागरिक अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखते हैं, लेकिन फ्रांस के लोगों में देशभक्ति दूसरे ही लेवल पर है। यहाँ के नागरिक अपने देश के झंडे, राष्ट्रीय गान या फिर एफिल टावर के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, इसलिए अगर आप फ्रांस में रहकर वहाँ के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो आपको तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फ्रांस के लोग इंग्लिश से ज्यादा अपनी फ्रेंच भाषा को तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इंग्लिश को इग्नोर करते हैं और फ्रेंच भाषा में लेखन कार्य और बातचीत करना पसंद करते हैं। नाजी सैल्यूट करना कानूनन अपराध। जब भी जर्मनी की बात की जाती है तो हिटलर और उसकी नाजी सेना का जिक्र होना लाजमी है। हिटलर ने अपनी सेना के साथ मिलकर जर्मनी समेत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से लोगों को उससे आज तक घृणा है। यही वजह है कि जर्मनी में नाजी सैल्यूट करना गैर कानूनी है। इसके साथ ही नाजियों का झंडा या फिर उनसे जुड़े किसी भी तरह के लोगो का इस्तेमाल करना
भी अपराध है। इसके लिए टूरिस्ट को 5 साल की जेल की सजा हो सकती है, जबकि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा जर्मनी में किसी व्यक्ति से पॉकेट में हाथ डालकर बातचीत करना भी असभ्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा करना सामने वाले व्यक्ति का अपमान करना माना जाता है। इसलिए हो सकता है कि अगर आप जर्मनी में पॉकेट में हाथ डालकर किसी से बातचीत करें तो वो व्यक्ति आपकी बात का जवाब दिए बिना वहां से मुंह बनाकर चला जाए। अनजान लोगों को देखकर कभी न हंसे। आमतौर पर जब हम किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसे हंसकर हाय हेलो बोलते हैं, लेकिन अगर आप रूस में हैं तो यहाँ किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलने पर हंसना बिल्कुल मना है। दरअसल रूस के लोगों का मानना है कि किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलने पर वही व्यक्ति हंसता है जो मूर्ख हो। ऐसे में इस देश में आप किसी व्यक्ति से मुस्कुराकर तभी मिल सकते हैं जब आप उसको अच्छी तरह से जानते हो या फिर वो आपका अच्छा दोस्त हो। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से मुस्कुराकर मिलना या हंसते हुए बातचीत करना असभ्य माना जाता है। इतना ही नहीं, रूस में इवन नंबर से बना फूलों का गुलदस्ता देना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस देश में 2, 4, 6, 8 की संख्या में बने फूलों का गुलदस्ता मरे हुए लोगों की कब्र पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी रूसी व्यक्ति के घर खाली हाथ जाते हैं तो वो आपको बहुत ही असभ्य नजरों से देखेगा। इतना ही नहीं, रूस में घर के अंदर सीटी बजाना और चाकू से खाने की चीज को काटना भी गलत माना जाता है। इसलिए अगर आप रूस जाते हैं तो वहाँ के नियम कानूनों को अच्छी तरह से जरूर समझ लें। ना करें लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल। यूं तो भारत में नागरिकों को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी है, लेकिन कुछ मामलों में आज भी हमारे देश में सख्त नियमों का पालन किया जाता है। भारत में किसी भी व्यक्ति को लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ से कोई चीज देना अशुभ माना जाता है, इसलिए किसी भी काम को करते समय अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति उल्टे हाथ से पैसे या फिर खाने की चीज देता है तो सामने वाला उसे लेने से इनकार कर देता है। इसलिए अगर आप भारत में हैं तो किसी को भी उल्टे हाथ से कोई सामान ना दे। इसके अलावा भारत में घर के अंदर या मंदिर में जूते चप्पल पहनकर जाने पर भी सख्त पाबंदी है, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं और गंदगी भी फैलती है। अगर आप मंदिर में जूते चप्पल पहनकर जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। टिप देना है कानूनन अपराध। आमतौर पर जब हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं तो अच्छी सर्विस मिलने पर वेटर को टिप देते हैं। इससे वेटर समेत सर्विस देने वाला रेस्टोरेंट भी खुश रहता है और अपने ग्राहकों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर आप जापान जाते हैं तो वहाँ गलती से भी किसी पब्लिक सर्विस देने वाले व्यक्ति को टिप ना दें। जापान में वेटर से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक कोई भी व्यक्ति टिप नहीं लेता है, क्योंकि ये उनके सर्विस और शान के खिलाफ माना जाता है। जापान में मान्यता है कि पब्लिक सर्विस देने वाले लोगों को पैसों से ज्यादा मान सम्मान की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें टिप के रूप में एक्स्ट्रा पैसे देने के बजाय उनसे बेहतर ढंग से बातचीत करना सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जापान में वेटर, टैक्सी ड्राइवर या फिर रूम सर्विस मैन को टिप देता है तो वो सीधे तौर पर व्यक्ति का अपमान कर रहा होता है। इसलिए जापान जाकर गलती से भी पब्लिक सर्विस दे रहे व्यक्ति को टिप देने की कोशिश ना करें, वरना वो आपके पैसे आपके ही मुंह पर मार सकता है। इतना ही नहीं, जापान में पब्लिक प्लेस, सड़क, पार्क और मंदिर में कूड़ा कचरा फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए आपको जेल की सजा या जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल जापान के लोग साफ सफाई को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इस देश में हर जगह कूड़ेदान मिल जाता है ताकि लोग इधर उधर कचरा फैलाने की जगह उसे डस्टबिन में डालें। लेकिन अगर आसपास कोई डस्टबिन नहीं होता है तो लोगों को अपने साथ एक बैग रखना पड़ता है ताकि वो रास्ते में इस्तेमाल होने वाली चीजों का कूड़ा बैग में इकट्ठा करें और सड़कों पर गंदगी ना फैलाएं। यहाँ के लोगों को समय की बहुत कद्र होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति बताए गए समय से 1 मिनट भी लेट होता है तो जापानियों की नज़र में वो अच्छा इंसान नहीं होता है। खाने से लेकर पब्लिक में गुस्सा करने तक सब गैर कानूनी। हमारे देश में सिखाया जाता है कि प्लेट में परोसे गए भोजन को पूरा खत्म करना चाहिए ताकि अन्न का अपमान और बर्बादी ना हो। लेकिन अगर आप चीन जाते हैं तो वहां आपको भूल कर भी प्लेट पूरी तरह से खाली नहीं करनी होती है। दरअसल चीन के लोग मानते हैं कि अगर आप किसी के घर पर गए हैं और प्लेट में परोसे गए भोजन को पूरा खत्म कर देते हैं तो इससे होस्ट को ये लगेगा कि उसने आपको कम खाना परोसा था, इसलिए आप पूरी प्लेट चट कर गए। यही वजह है कि चीन के लोग जब अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो खाना खाने के बाद आखिर में प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं।
इतना ही नहीं, चीन में खाना खाने के बाद पब्लिक के सामने डकार मारना भी बहुत ही नॉर्मल है। इससे खाना बनाने और परोसने वाले व्यक्ति को खुशी मिलती है। चीन में सामाजिक रूप से गुस्सा करने या फिर पब्लिक में सरकार की बात करने पर भी पाबंदी है। इसलिए अगर आप कभी चीन जाएं, तो वहां इस तरह की बातों का खास ख्याल रखें, वरना आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सैगुआरो कैक्टस की कटाई है अपराध। ये बात तो सच है कि पेड़ पौधों की निरंतर कटाई से धरती का तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। यही वजह है कि भारत समेत कई देशों में सरकार की इजाजत लिए बिना पेड़ काटने पर जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर आप अमेरिका के एरिजोना राज्य में जाते हैं, तो यहाँ पेड़ पौधों की कटाई को लेकर अलग ही नियम फॉलो किया जाता है। इस राज्य में सैगुआरो कैक्टस नामक पौधे की कटाई करना गैर कानूनी है, जिसे इंसान की हत्या करने से जोड़कर देखा जाता है। एरिजोना में अगर किसी व्यक्ति के घर के आंगन में सैगुआरो कैक्टस उग जाता है, तो उस पौधे को काटने की इजाजत नहीं होती है। दरअसल इस पौधे पर उगने वाले सफेद फूल एरिजोना राजकीय फूल है, जिसे काटने पर व्यक्ति को 25 साल की जेल की सजा दी जाती है। इतना ही नहीं, सैगुआरो कैक्टस को पूरी तरह से बड़ा होने में लगभग 150 से 200 साल का समय लगता है। ऐसे में अगर कोई इस पौधे को काट देता है, तो उसे पौधे के हत्यारे के रूप में देखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य में कोई भी सैगुआरो कैक्टस को काट नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को इस पौधे की कटाई करनी होती है, तो उसे सबसे पहले एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से परमिशन लेनी होती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में फॉलो किए जाने वाले कुछ ऐसे नियम कानून, जिन्हें तोड़ने पर आपको जेल की सजा भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।